वाइज तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एपी का क्वेश्चन क्या कह रहा है। एपी का क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी गिवन है, उसमें पीछे से 20वें टर्म को आपको बताना है कि पीछे से 20वां टर्म उस एपी का क्या होगा। आप एपी ऑलरेडी बोर्ड पे देख रहे हैं कि एपी है 3813-253, तो पीछे से अगर हम आए तो 20वां टर्म क्या होगा। ठीक है, तो पीछे से अगर हम आएंगे तो पूरा एपी भी तो बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एपी ये 253 हो जाएगा, उसके बाद से डैश डैश डैश, फिर 13 हो जाएगा, उसके बाद से फिर 8 हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा, ये एपी हो जाएगा, है ना। अब ऐसे में ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हो जाएगी 253। डी की वैल्यू किसी भी एपी में कोई भी नंबर उठाइए, जैसे आप ये उठाए, इससे पीछे वाले को माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो हम 3 उठाए और उसमें से 8 को माइनस कर दिए, क्या आंसर आ जाएगा, -5, यानी डी की वैल्यू हो जाएगी -5। अब निकालना क्या है, निकालना है A20 की वैल्यू, तो A20 यानी AN के फॉर्म में है, तो फॉर्मूला लिखेंगे, किसका फॉर्मूला लिखेंगे, AN का फॉर्मूला लिखेंगे, AN इज इक्वल टू A+N-1 × D। अब A, अभी हम बताते हैं कि 20 निकालना है, यानी N की जगह पे क्या लिखे, 20 इज इक्वल टू A की वैल्यू 253, अभी आप देखे हैं, प्लस N की जगह पे आप क्या रखे, 20, यानी कि 20-1, और D की वैल्यू आपके क्या आई है, -5। ये हो जाएगा 253 प्लस ये कितना हो जाएगा, 19 × -5। क्या हो जाएगा, ये 253 प्लस 19 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -95। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 253 ± -95। आंसर कितना आ जाएगा, 13 से 5 जाएगा 8, यहां हो गया 4, 14 से 9 जाएगा 5 और यहां पे हो गया 1, यानी A20 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 158। तो ये हो जाएगा आंसर, 158। तो उम्मीद है आपको ये सिंपल सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना